ओके तो गाइस स्वागत आप सभी को मेरे माइनक्राफ्ट गाइड के एपिसोड नंबर 26 में। तो गाइस इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आप पहले ये देखो भाई, जब से मैं इसको पकड़ के यहाँ पे लाया हूँ ना भाई, तब से लेके पता नहीं क्यों ये तब से भाई यहाँ पे घुसा रहता है भाई क्या बोलो। और ये देखो जब मैं इसके सामने आता हूँ तो ये उछल कूद करने लग जाता है भाई। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, शायद उसे श्योकिन का खेत बहुत ही पसंद आ गया हो, खैर उसे छोड़ते हैं। तो गाइस आज हम बनाएंगे ऑटोमेटिक स्टोन फार्म, या फिर ये कहूँ कि आज हम बनाने वाले ऑटोमेटिक कवलस्टोन फार्म को, ठीक है। और इस फार्म को मैं बनाऊंगा वहां पे पहाड़ों के चोटी पर, वरना अगर यहाँ पे इसे बनाता हूँ तो भाई यहाँ पे और भी ज्यादा लैग शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ी दूर जाके मैं इसको बना रहा हूँ, और जल्दी मैं कहानीकॉम फार्म को भी लाऊंगा, ठीक है। बस ये एक बार फिल हो जाए, ये एक बार भर जाए, उसके बाद मैं कहानीकॉम फार्म को भी लाऊंगा, क्योंकि 1.17 में हनीकॉम बहुत ही काम की चीज है, तो इसलिए हनीकॉम फार्म बहुत ही जरूरी है बनाना। ओके तो गाइस आप लोग पूछ रहे थे कि माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में एलाइट रखो जमीन से कैसे आप उड़ाओगे जावा एडिशन के जैसा, तो भाई टेंशन ना लो, मैं जल्दी उसका एक पूरा का पूरा डिटेल्ड वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, कोई टेंशन लो। उस वीडियो को आने के बाद भाई आप लोग भी जमीन से एकदम जावा एडिशन के जैसा, मतलब आसमान की सैर कर पाओगे, आसमान की सैर कर पाओगे जमीन से उड़ान भर के। खैर अब बात करते हैं आज की इस फार्म की। तो गाइस इस फार्म को बनाने के लिए आपको जो जो सामग्री चाहिए होगा उसका एक लंबा सा लिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, आप एक बार जरूर देख लेना। ओके तो चलो सबसे पहले सामान को ले लेते हैं और फिर बनाते हैं इस फार्म को। ओके तो सबसे पहले आपको यहाँ के दो डट के ब्लॉक को तोड़ना है, और फिर वहां पे रखना है डबल चेस्ट, और फिर क्राउच होके हॉपर। एक सेकंड, यहाँ पे नहीं बनाता, ठीक है। यहाँ पे अगर बनाऊंगा तो जब फार्म चौड़ा हो जाएगा ना तो वह टेढ़ा हो जाएगा, तो चलो यहाँ पे बनाते हैं। ओके तो सबसे पहले यहाँ के दो डट को हटाओ, फिर यहाँ पे रखो डबल चेस्ट, फिर क्राउच होके लगाओ पांच हॉपर, उसमें एक हॉपर चेस्ट से जुड़ा होगा और बाकी सारे हॉपर उस हॉपर से जुड़ा होगा। फिर लो सॉलिड ब्लॉक और उसे ऐसे दो दो करके रखना है आपको भी। ओके तो यहाँ पे सॉलिड ब्लॉक देने से आप चेस्ट को ओपन नहीं कर पाओगे। कोई नहीं भाई, इसको अभी के लिए हटा दो, ठीक है, बाद में देखते हैं। तो अब यहाँ भी आपको रखना है सॉलिड ब्लॉक, फिर यहाँ पे ऐसे रखो पांच पिस्टन, और यहाँ भी पांच पिस्टन, बिल्कुल ऐसे ही। फिर पिस्टन के पीछे रखो ऑब्सिडियन, ताकि पिस्टन अपनी जगह से हटे ना कोई ग्लिच की वजह से, ठीक है, वरना अगर हट गया ना तो भाई बहुत ही परेशानी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इसलिए भाई ऑब्सिडियन को लगा दो। फिर लो ग्लास, आप यहाँ पे सॉलिड ब्लॉक का भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे आप कोशिश करो ऑब्सिडियन रखने की या फिर सैंड को रखने की, वरना आप जब स्टोन को यहाँ पे कलेक्ट करोगे या फिर तोड़ोगे तो हो सकता है गलती से आप यहाँ के जो ब्लॉक है उसको तोड़ दो भाई, अगर आप तोड़ देते हो ना तो भाई और भी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो इसलिए भाई कोशिश करो यहाँ पे ऑब्सिडियन लगा देना। फिर यहाँ पे दो ग्लास, और यहाँ भी दो ग्लास, फिर यहाँ पे लगा स्टोन बटन, यहाँ वुडन बटन को मत लगाना वरना ग्लिच की वजह से आग लग सकता है। ओके तो अब लो पानी, और पिस्टन के ऊपर पॉइंट करके आपको भी पानी को ऐसे डालते जाना है, तो देखोगे पिस्टन के अंदर से पानी बहेगा। तो आप देख लो, मैं जल्दी से पानी के मेथड को कर देता हूं। तो ऐसे आपको भी पानी को डाल देना है, फिर यहाँ पे लगाओ ग्लासेस, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसा ही आपको करना है, वरना ये फार्म बिगड़ जाएगा और फिर काम नहीं करेगा, तो इसलिए जैसा मैं कर रहा हूं वैसा आपको भी कर लेना है। ओके तो अब यहाँ ऐसे मिडिल के लेयर पे भी लगाना है ग्लास, जस्ट लाइक दिस, और अब आपको लेना है लावा। ओके तो अब यहाँ पे ऐसे करके लावा को डाल देना है, इसके लिए आपको 10 बकेट लावा चाहिए होगा। ओके तो देख सकते हो लावा डल चुका है, और अब करना होगा इसे ऑटोमेटिक, बट उससे पहले मुझे जाके एक बार सो के आना होगा, वरना क्रिपू दादा यहाँ पे आके पप्पी दे देगा। ओके तो अब आपको आ जाना फार्म के बैक साइड पे, और फिर सबसे मिडिल वाले लेयर, मतलब ये वाला लेयर, यहाँ पे आपको रखना है सॉलिड ब्लॉक, फिर यहाँ पे टेम्पररी ब्लॉक, और यहाँ एक पिस्टन, फिर टेम्पररी ब्लॉक को हटा दो। अब यहाँ रखो एक टेम्पररी ब्लॉक, और यहाँ एक हॉपर, फिर इसे हटाओ, हो जाओ क्राउच, और ऐसे लगाओ एक हॉपर, तो ऐसे दोनों हॉपर एक दूसरे की ओर मुड़ा रहेगा। फिर यहाँ टेम्पररी ब्लॉक, इसके ऊपर पिस्टन जो हॉपर की ओर पॉइंट रहेगा, और फिर यहाँ पे दो सॉलिड ब्लॉक। ओके तो अब लेना है आपको रेडस्टोन कंपैरेटर, और एक रखो यहाँ पे, और एक को रखो यहाँ पे, फिर क्राउच होके यहाँ एक रेडस्टोन ब्लॉक, फिर यहाँ रेस्टोन डस्ट, और यहाँ पर रेस्टोन डस्ट दे के इसको करो कनेक्ट। ओके तो अब इसको एक्टिव रखने के लिए आपको हॉपर के अंदर पांच पीस कोई भी आइटम को रख देना है, तो ये पांच पीस आइटम यहाँ पे इसलिए क्योंकि जब एक हॉपर से दूसरे हॉपर पे आइटम ट्रांसफर होगा, मतलब जाएगा,
तो दोनों साइड पे करंट भी जाएगा, ठीक है। और उस करंट की वजह से दोनों फार्म के साइड पे जो पिस्टन है वो एक्टिव होता रहेगा और ये फार्म ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा। ये 5-20 आइटम से कम यहाँ पे मत रखना, वरना ये फार्म और भी जल्दी से काम करेगा और ये फार्म मतलब इसका जो लोड है ये फार्म उसे झेल नहीं पाएगा और बिगड़ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे रखो एक सॉलिड ब्लॉक, एक बार देख लो मैंने कहाँ पे रखा है, ठीक है। तो उस सॉलिड ब्लॉक को फर्स्ट हॉपर के साइड पे रखना है और दूसरे सॉलिड ब्लॉक को सेकेंड हॉपर के साइड पे रखना है। इसको आधा टेढ़ा रखना होगा वरना तभी जो करंट है ना वो दोनों साइड पे ट्रांसफर होता रहेगा, तभी ये फार्म ऑटोमेटिकली काम करेगा, ठीक है। और अब जहां पे ऑब्सिडियन है वहां पे सॉलिड ब्लॉक खींच के करो इसे कनेक्ट, और यहां भी सेम, फिर इसके ऊपर रेडस्टोन डस्ट दे दो ताकि ये सारे पिस्टन एक्टिव हो जाए। ओके, तो हमारा फार्म पूरा बन चुका है और अब बस यहाँ के डस्ट को हटाओ और सिंपली रख दो यहाँ पे डबल चेस्ट, और अब यहाँ पे आके खड़े हो जाओ और पत्थर को तोड़ना स्टार्ट कर दो। ज्यादा स्टोन पाने के लिए आप अपने पिकेक्स में एफिशिएंसी 5 को लगा देना, इससे और भी ज्यादा आपको स्टोन मिलता जाएगा। ओके, तो चलो अब देखते हैं कि हमें कितना स्टोन मिला है। तो गाइस देख सकते हो कुछ ही सेकंड हुआ होगा हमें एक्स्ट्रा के करीब स्टोन मिल चुका है, तो है ना ये फार्म कमाल का, और इसे ऑफ भी तो करना होगा ना। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक लीवर को लगा दो और अब आप जब चाहे इसको ऑन या ऑफ कर पाओगे। तो चलो कुछ देख लेते हैं स्टोन कलेक्ट करके हमें कितना स्टोन मिलता है। ओके, तो चलो अब देख लेते हैं। तो भाई ये देखो एक ही मिनट, कम से कम एक ही मिनट हुआ होगा और इतने सारे स्टोन हमें मिल चुका है। तो गाइस ऐसे आप भी इसको बना सकते हो और पा सकते हो अनलिमिटेड स्टोन और कवल स्टोन दोनों ही, तो आप इसे बेझिझक बनाओ। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बोल सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, भाई जरूर से फॉलो कर लेना, ठीक है। तो वैसे वीडियो कैसे लिए कमेंट करके जरूर बोलना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हो ताकि बाकी सारे इसको अच्छे से बना सके, ठीक है। चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि मैं ऐसे ही माइनक्राफ्ट के वीडियोस डालता रहता हूं, और हां बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि ऐसे वीडियोस अपलोड होने के तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।